Um look on that let me let me again break up the question and answers in a couple of parts. Um let me just say that of the fighting I think it's called Utha Dwar area it's opposite uh on the India Myanmar border in mizoram, In the Chin state of Myanmar, there has been movement of Myanmar nationals to the Indian side. We are deeply concerned with uh, which... such incidents close to our Or India Qai consent crisis. आइए इस वीडियो में हम देखते हैं वेलकम टू ज्ञान कोश मैं हूं अवलोकित आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे म्यांमार के रेजिस्टेंस फाइटर्स जो कि जुंडा गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं वो दो मिलिट्री बेसिस जो कि राखतवार कैंप के पास है उन्हें कैप्चर करके बैठे हैं उससे हमारे इंडिया को क्या कंसर्न्स है इंडिया का क्या स्टैंड है और इन सारे पॉइंट्स को कहां से शुरुआत हुई थी उसे डिटेल में जानेंगे अकॉर्डिंग टू यू कहता है कि 90,000 पीपल डिस्प्लेस हो चुके हैं म्यांमार के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो कि 2021 में शुरुआत हुई थी जब जुंदा गवर्नमेंट ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे टॉपल किया था अब देखना चाहिए कि इंडिया का रिस्पॉन्स इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या रहा जैसे कि इंडिया के एम ए स्पोक्सपर्सन ने कहा इंडिया बहुत डीपली कंसर्न है जो म्यांमार में फाइटिंग्स हो रही है और इंडिया हमेशा पीस को प्रमोट करना चाहता है इंडिया ऑलवेज वांट्स टू टॉक स्टार्ट इन म्यांमार टू एंड द वायलेंस ये एम के स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इंडिया का ओवरऑल रिस्पांस म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहा और क्या हाईलाइट होंगे उस कंसर्न के एंड उस एक्शन के जैसे कि म्यांमार में मिलिट्री कूप यानी कि जुंटा गवर्नमेंट है उसे खारिज करके रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा इन द वे अहेड इंडिया के कुछ कंसर्न्स इस टॉपिक के रिलेटेड क्या है क्या म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए ऐसे क्या कंसर्न्स है तो इंडिया का सबसे पहला कंसर्न है जो रेजिस्टेंस फाइटर्स है जिन्हें कहा जाता है जो जुंडा गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस फाइटर्स कहा जाता है वो मिलिट्री बेसिस पर यानी कि इंडियन बॉर्डर रीजन में फाइट कर रहे हैं उसी कारण रिफ्यूजी इन्फ्लक्स इंडिया के स्टेट्स में बढ़ रहा है जहां पर म्यांमार नेशनल्स और इवन जो सोल्जर्स है जो जुंटा गवर्नमेंट बैक्ट है वो रेफ्यूज ले रहे हैं इसी कारण इंडिया कहता है दैट वी कॉल फॉर द पीस एक्शन जिसे एडवोकेसी ऑफ पीस इंडिया स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए म्यांमार में कोशिश कर रहा है इससे ससेशन ऑफ वायलेंस के बारे में प्रमोशन भी और डायलॉग की भी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है यहां पर हम देखेंगे इम्पैक्ट हो रहा है जो रेजिस्टेंस फाइटर्स है म्यांमार के अंदर वो हमेशा रिखदवार बॉर्डर की तरफ की मिलिट्री पोस्ट को एक्वायर कर रहे हैं बहुत कांस्टेंट फाइट्स के बाद हजार सिविलियंस बॉर्डर के पोस्ट के थ्रू इंडिया के म्यांमार स्टेट में रिफ्यूज ले चुके हैं ड्यू टू मिलिट्री एक्शन इनस्टेबिलिटीज इस रीजन में क्रिएट हो रही है उसी के साथ साथ जो कि 30 से 40 30 टू 40 मिलिट्री पर्सनल्स भी इस म्यांमार रीजन से मिजोरम की तरफ रिफ्यूज ले रहे थे जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने सेफली वापस भेज दिया है लेकिन क्राइसिस यही खत्म नहीं होता है जब रीसेंट डेवलपमेंट्स ये बताती है कि एंटी जिनता ग्रुप्स जैसे कि रेजिस्टेंस फाइटर्स कैप्चर कर रहे की टाउन्स एंड बेसिस टाउन इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर के रीजन में है जो कि हमने अभी देखा जैसे रिखदवार सीजर अ क्रूशल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट जहां पर इंडिया एंड म्यांमार की बॉर्डर्स क्रॉस होती है अब रिसेंटली यूएन ने यह भी एड्रेस किया है कि लास्ट वन मंथ में जो डिस्लेसमेंट हुई है वो अराउंड नाइन थाउजेंड है, कर चुकी है आर्मी के इन्फेंट्री को जहां पर सुन स्टेट के म्यांमार में है जहां पर ये देख सकते हो आप जुंटा कंट्रोल्ड आर्मी पोस्ट ये रेजिस्टेंस फाइटर्स ने कैप्चर कर रखी है हम इंडिया की एक्शन को भी समझेंगे इन सारी सिचुएशंस में इंडिया किस तरीके की एक्शन पोस्ट कर रहा है नंबर वन हैंडलिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया बहुत ही अच्छे से इन ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को हैंडल कर रहा है जहां पर इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है टू रिटर्निंग एंड असिस्टिंग द रिफ्यूजीज टू रिटर्न टू म्यांमार जहां पर इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है जुनटा को जहां पर बहुत ही ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट हो रहा हो अब इस सारी कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसकी ओरिजिन 2021 में हुई थी, जहाँ पर coup, ये की कर रही है आर्मी इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है यह थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है रेफ्यूजी क्राइसिस टेंस एंड थाउजेंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पलायन कर रहे हैं इसके कारण सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में चैलेंजेस पैदा हो रही है मान लीजिए ऐसी कोई स्टेट है जैसे मिजोरम है जहां पर पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार ऐसे अगर रिफ्यूजीज आएंगे तो वहां पर डेमोग्राफी जो होगी वो इवेंचुअली डिफाइन और चेंज होती रहेगी हमने देखा है ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन 1971 की के वॉर के टाइम जब बांग्लादेश के वॉर लिबरेशन फाइट के टाइम जो रिफ्यूजीज

2023 के अंदर कॉल फॉर इंटरवेंशन इंटरनेशनल सपोर्ट की और रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में बात होने लगी नाउ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि म्यांमार का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है इथनिक एंड मिलिट्री डायनामिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरप्ले खेलती है एक दूसरे के साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि जो लोअर हाउस होता है म्यांमार का उसके अंदर ये जो और सारी सीट्स है ब्लैक कलर में आपको दिख रही है 110 सीट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्म फोर्सेस के लिए सेव रहती है लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम ये रहता है कि जो वेटो पावर होती है वो वेटो पावर हमेशा आर्मी के पास होती है यानी कि आप कोई भी बिल इतने आसानी से पास नहीं कर सकते और इसी का हमने आउटबस देखा था जब पार्लियामेंट ने वोट किया था अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जहां पर मिलिट्री वेटो को स्क्रैप करने की बात कर रहे थे उसे पार्लियामेंट वेटो के द्वारा आर्मी ने खारिज कर दिया था और इसी का आउटबस्ट जहां पर जुंटा गवर्नमेंट ने 2021 में टेक ओवर किया था अब हम देखते हैं कि इंडिया म्यांमार रिलेशन में क्या पहले की हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटीज रही और बैलेंसिंग इंटरेस्ट इंडिया को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हम देखी जाए तो इंसर्जेंसी ब्लैक मनी टेररिज्म जहां पर इन सारे इश्यूज से साथ इंडिया एंड म्यांमार दोनों एक साथ लड़ रहे थे इकोनॉमिकली और कल्चरल टाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया और म्यांमार के बीच उसी दौरान जुंडा का टेक ओवर इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे बैलेंस ऑफ अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को किया जाए और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्स को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाए ये एक इंडिया के पास बड़ा चैलेंज है अब हम ये देखेंगे कि स्टेबल म्यांमार इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि म्यांमार इंडिया की नेबरिंग कंट्री है नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो नेबरहुड फर्स्ट एंड लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ते वक्त म्यांमार एक क्रिटिकल लिंक हो जाता है इंडिया के जियोपोलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी इस वजह से क्योंकि जहां पर रेफ्यूजी क्राइसिस जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है इसी कारण स्टेबल म्यांमार इंटरनल एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है जहां पर चाइना जुनता गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी एक अलायंस क्रिएट करना चाहता है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया के साथ खड़ी होती है वहीं पर मिलिट्री गवर्नमेंट चाइना के साथ या उससे इन्फ्लुएंस होने के लिए वेबल होती है इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया को म्यांमार स्टेबल एंड डेमोक्रेटिक होना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है वहीं फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन कि म्यांमार क्यों स्टेबल होना चाहिए इट इज बिकॉज इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड म्यांमार गेटवे हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो कि इंडिया के हर एक फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग और पिलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसी दौरान हम देखते हैं पूरी तरीके से ये म्यांमार का कूप इंडिया के लिए एक क्रिटिकल टेस्ट है डिप्लोमेटिकली जहां पर इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट भी सर्व करने हैं और साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी बचाना है आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई और टॉपिक्स के सजेशंस हो तो प्लीज फील फ्री टू तो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच